So, दोस्तों, at last Brazil का वीजा completely free हो चुका है for the Indians. Yes, guys, अगर आप tour plan कर रहे हो, तो Brazil को भी एक checklist पे रख सकते हो. And near future में आप जा सकते हो Brazil में वो भी completely free visa में. तो visa पाने के लिए free visa पाने के लिए कौन सा documents आपको लगेगा? तो क्यों Brazil का government Indians को free visa अचानक से देने लगे? और ये visa आप कौन सा category में apply कर सकते हो? ये पूरा information इस video में आपको मैं देने वाला हूँ. आपका दोस्त, आपका host, मैं बिशाल. So guys, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. जरूरी है क्यों अचानक ब्राजील गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इंडियंस को फ्री वीजा देने के लिए. यहां पर सिर्फ इंडियन के नहीं, इंडियन और चाइनीज ये दोनों कंट्री के लोगों को लिए कंप्लीटली फ्री वीजा भी ऑफर कर रहे हैं ब्राजील के लोग. द रीजन है तीन बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको पता चल जाएगा. तो गाइस, 2018 के अगर स्टैटिस्टिक अगर देखोगे कितना इंडियन बाहर इंटरनेशनल ट्रिप के लिए गया था. आई एम जस्ट वन ऑफ देम. मैं ऑलरेडी 2018 में 5-6 इंटरनेशनल ट्रिप मैंने किया था. सो गाइस, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक 5 करोड़ इंडियन 2018 में इंटरनेशनल ट्रिप में लिए गया था. तो उसमें से कितने लोग ब्राजील में गया? 2017 में गया था जस्ट ओनली 16,900 और 2018 आते हैं तो वो भी गिर के हो गया 16,000 सिर्फ 700. सो यू कैन इमेजिन दैट 5 करोड़ इंडियन हर साल इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाते हैं, पर उसमें से बहुत ही कम पॉपुलेशन जाते हैं ब्राजील में. ब्राजील इटसेल्फ बहुत बड़ा देश है, इसका कल्चर बहुत रिच है, उसके बाद भी इंडियंस ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं ब्राजील जाने के लिए. पर क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वीजा. गाइज, ब्राजील का वीजा पहले तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ता था. एज यूजुअल दैट इज, मेरा जो लास्ट महीने मेरा ट्रिप हुआ था इन इजिप्ट में, इजिप्ट का भी वीजा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे ही ब्राजील का वीजा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए ज्यादा इंडियंस जाना नहीं चाहते थे ब्राजील के लिए. तो इसीलिए जो नया गवर्नमेंट है ब्राजील का, वो लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म लोग देश में जाए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, इसीलिए वो लोग इंडियंस और चाइनीज को फ्री वीजा दे रहे हैं फॉर देयर टूरिज्म. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ब्राजील का फ्री वीजा पाने के लिए? तो सोर्स से पता चल रहा है गाइस. तो पहले तो चीज चाहिए आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट. गाइस, हम लोग नेपाल में जाते हैं, हम लोग भूटान में जाते हैं, वहां पर इंटरनेशनल ट्रिप है, बट हम लोगों का पासपोर्ट नहीं जरूरत पड़ता है. बट ब्राजील में अगर घूमने जा रहे हो अगर आप, तो आपको पासपोर्ट जरूरत पड़ता है और पासपोर्ट का 6 महीने का आपका एक्सपायरी डेट मिनिमम होना चाहिए. सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, आपका जाने का और आने का रिटर्न फ्लाइट टिकट, बिकॉज हम लोग देखना चाहते हैं आप जा भी रहे हो और कुछ लौट भी आ रहे हो. और तीसरा जो चीज चाहिए, दैट इज अबाउट योर होटल बुकिंग. आपका होटल बुकिंग कहाँ कहाँ पे आप रह रहे हो वो भी वो लोग देखना चाहते हैं. और चौथा चीज, दे वॉन्ट टू सी, दैट इज अ ट्रेवल आइटिनरी, मीन्स आप घूमने क्या क्या जगह में जाओगे, कौन सा डेट में कौन सा शहर में रहोगे, ये इंफॉर्मेशन भी एक व्हाइट पेज में टाइप कर भी हो, हाथ में लिख कर भी आप सबमिट कर सकते हो. ये इंफॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये ई वीजा होगा और फिजिकली आपको जाकर एम्बेसी और कॉन्सुलेट में सबमिट करना पड़ेगा. ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है. बट वीजा फ्री है, ये ऑनलाइन होगा और फिजिकली आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये अभी क्लियर नहीं है, बट वीजा फ्री है, दैट इज श्योर शॉट क्लियर. अभी तो क्वेश्चन है कौन सा कैटेगरी में आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हो. दोस्तों, बेसिकली दो कैटेगरी में ये फ्री वीजा आ रहे हैं. तो पहला कैटेगरी है, दैट इज द ट्रेवल रिलेटेड. अगर आप ट्रेवल प्लान कर रहे हो कुछ दिनों के लिए, ब्राजील जाने वाले हो, जाना चाहते हो, तो कंप्लीटली ये फ्री वीजा है. और दूसरा कैटेगरी है, दैट इज द बिजनेस वीजा, मीन्स अगर आप बिजनेस करने के लिए, बिजनेस क्लास में अगर जा रहे हो, बिजनेस वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो भी कंप्लीटली फ्री है फॉर ब्राजील. बट दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सा बट भी है. ब्राजील का वीजा फ्री का मतलब ये नहीं आज से ही ब्राजील का वीजा इंडियंस के लिए और चाइनीज के लिए कंप्लीटली फ्री हो चुका है. अभी जो ब्राजील के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एशियन कंट्री के ट्रिप में है, मींस 12 देश का वो ट्रिप में जा रहा है इंडिया को छोड़कर, बिकॉज इंडिया में जो पता है कुछ राज्यों में इलेक्शन चल रहा था, इसीलिए इंडिया में वो नहीं आया है अभी तक. तो ब्राजील के जो प्राइम मिनिस्टर एशियन कंट्री में ट्रिप में है, तो इसीलिए कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ. ये जो अनाउंसमेंट आया है कंप्लीटली ब्राजील का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से आया है. तो अभी घूम के जाने के बाद वो जब देश में लौटेंगे ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद अकॉर्डिंग दे विल चेंज द लॉ, अमेंडमेंट लाकर लॉ चेंज करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप ये वीजा को लोग कंप्लीटली फ्री कर देंगे. कुछ महीने लग सकते इसके लिए, हो सकता है 2020 का पहले पहले ही हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक
हो जाएगा, तो 2-3 महीने अभी भी लगने वाले हैं ब्राजील के फ्री वीजा पाने के लिए। तो गाइस अगर आप प्लान कर रहे हो 2-4 महीने बाद कहीं घूमने के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए, तो अभी से प्लान कर लो, ब्राजील का फ्री वीजा मिल चुका है, तो गेट रेडी टू रॉक एंड रोल इन ब्राजील। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।